तो केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड करने के बाद मेरे पास काफी बच्चों के मैसेज आए, भैया बायोलॉजी का डाल दो, प्लीज बायोलॉजी का डाल दो। फिजिक्स का मेरे पास एक भी मैसेज नहीं आया। मैं बायोलॉजी का अपलोड कर रहा हूँ, फिजिक्स का आप मना कर रहे हो तो ठीक है, नहीं डालूंगा। बायोलॉजी का इस वीडियो के अंदर कंप्लीट करेंगे। बट एक चीज को मैं फिर से बता दूं, मैं तुम्हें इस वीडियो के अंदर जो देने वाला हूं, अगर तुम नए स्टूडेंट हो, अगर तुमने केमिस्ट्री वाली वीडियो नहीं देखी, मैं इस वीडियो के अंदर भी कहूंगा ये एकदम फिक्स है, स्टक है और इंपॉर्टेंट है और अर्जेंट है। इसके बाद मैं बार बार चेंजेस नहीं करूंगा कि नहीं यार अब ये वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देता हूं, अरे रात को मैं लाइव आने वाला हूं 9 बजे, ठीक है बैठ करके सॉल्व करें। भाई मैं ऐसा काम नहीं करता, मेरे लिए वो जरूरी भी नहीं है कि मेरे को आपका टाइम वेस्ट करना है। मैं वही क्वेश्चन आकर के कहूँ नहीं नहीं ये काम मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, और तुम्हें पसंद है तुम जा करके देख सकते हो कहीं भी। आपका टाइम है, आपकी इंपॉर्टेंस है, तुम्हारे पे डिपेंड करता है यार, मेरे पे कोई डिपेंड नहीं करता। मैं तुम्हें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लास्ट दे रहा हूँ, इसके अलावा मेरा कोई और चेंजेस नहीं होते रहेंगे। अब ये चेंज कर देता हूँ, नहीं नहीं अब ये ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तो मैं स्टार्ट करूंगा इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट करे। तो आपकी बायोलॉजी के अंदर कितने चैप्टर्स हैं? चैप्टर नंबर 6, 7, 8 और 9, ये आपके बायोलॉजी के चैप्टर्स हैं। अब स्टार्ट करेंगे आपके चैप्टर नंबर 6 लाइफ प्रोसेसेस से। तो लाइफ प्रोसेस का आपको जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है आपका न्यूट्रिशन। हाँ सबसे पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका न्यूट्रिशन। अगर आप एनसीईआरटी बुक, अभी एनसीईआरटी बुक को खोलो, हाँ सबसे पहला काम है अगर तुम नए हो एनसीईआरटी बुक को खोल लो, उसके अंदर तुम्हारा न्यूट्रिशन वाला पार्ट होगा एनसीईआरटी के अंदर, जो कि अल्ट्रा इंपॉर्टेंट है और प्रीवियस ईयर में हजारों बार रिपीट हो चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं तुम्हारे वो अल्ट्रा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेकर के आऊँ जो कि बार बार मैं चेंज नहीं करूँगा, इसलिए कह रहा हूँ मेरी बात सुनोगे मानोगे तो पूरे मार्क्स लेकर के आओगे डेफिनेटली। उसके बाद है डिफरेंस बिटवीन हेटरोट्रॉफिक और ऑटोट्रॉफिक, इसके ऊपर क्वेश्चन बन चुका है, इसको अच्छे से कर लेना। इसके बाद एनसीईआरटी बुक को खोल रखे हो तो उसके अंदर तुम्हारी एक इक्वेशन होगी 6CO2 + 12H2O + light, इसके आगे जो लिखा हुआ है ये इक्वेशन ना तुम्हारी एनसीईआरटी के अंदर होगी, उससे रिलेटेड जितना भी तुम्हारा पार्ट लिखा हुआ है इस इक्वेशन से रिलेटेड पूरा पढ़ करके जाना, बहुत इंपॉर्टेंट है, अर्जेंट इंपॉर्टेंट है, अल्ट्रा इंपॉर्टेंट है, सच्ची में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है स्टोमेटा, जिसका एक्सप्लेनेशन आपको अच्छे से आनी चाहिए। उसके बाद आपका ऑल ग्लैंड डाइजेस्टिव जूस, देखो ये वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे ग्लैंड्स को अच्छे से पढ़ लेना और उसके बारे में जितना भी डाइजेस्टिव जूस जो भी तुम्हारा लिखा हुआ है सबका सब तुम्हारा अल्ट्रा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से कर लेना है, एनसीईआरटी के अंदर तुम्हारा सब कुछ लिखा है। इसके बाद है डबल सर्कुलेशन सिस्टम, हर्ट को लेकर के तुम यहाँ पे अच्छे से कर लेना, इसका डायग्राम भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर्ट आपका इंपॉर्टेंट है। आप यहाँ पे आपका जो है अगला टॉपिक फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, ब्लड एंड लिम्फ, हेमोक्लासिस, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट, ये जो आपके टॉपिक्स है ये भी आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब कुछ क्वेश्चन आपके जो ब्लू बॉक्स क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज द रोल ऑफ द एसिड इन अवर स्टमक, ये आपका ब्लू बॉक्स क्वेश्चन है, इसका आंसर तो आपको बताइए कि गूगल पे मिल जाते हैं। तो चार क्वेश्चन है जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ब्लू बॉक्स में, ये सारे के सारे कर लेना। इसके बाद आता है तुम्हारा एक्सरसाइज क्वेश्चन जो कि है 1, 3, 8 और 11, ये कर लेना चाहिए, ठीक है। अब आते हैं तुम्हारे चैप्टर नंबर 8 रिप्रोडक्शन पे। तो रिप्रोडक्शन चैप्टर आपका सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, इसको अच्छे से पढ़ लेना, कंप्लीट आपका इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपका टॉपिक नंबर 2 स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर एंड फॉर्मेशन ऑफ सीड, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है चेंज इन प्योबर्टी, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसका डायग्राम भी आपको अच्छे से आना चाहिए। कुछ क्वेश्चन आपके ब्लू बॉक्स, इसको अच्छे से कर लेना, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 5 क्वेश्चन। उसके बाद आपका एक्सरसाइज क्वेश्चन 1, 7 और 8 जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब तुम्हारा चैप्टर नंबर 9 हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन, फिगर नंबर 9.4 और 9.5, इसको अच्छे से कर लेना, ये काफी ज्यादा अर्जेंट है, अर्जेंट नहीं अल्ट्रा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आता है आपका लॉ ऑफ इनहेरिटेंस जो कि इंपॉर्टेंट है, मेंडलीव हिज वर्क ऑन इनहेरिटेंस ये भी इंपॉर्टेंट है, सेक्स डिटरमिनेशन इन ह्यूमन बीइंग ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से कर लेना। तो यहाँ पर आपके सारे के सारे जो है बायोलॉजी के चैप्टर्स कंप्लीट हो गए। अब देखो भाई कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कहाँ गया, कंट्रोल कोऑर्डिनेशन तो खा गया, नहीं मैं खाया नहीं हूँ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लिए आप लोग को मैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन नहीं, बायोलॉजी के जितने भी आपके चैप्टर्स थे ना सबके सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तुम्हें डिस्क्रिप्शन मिल जाएंगे, और वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जैसे तुम्हें यूट्यूब पर मिल रहे वो वाले नहीं है। सब ने बताऊँ क्या करा, सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को इकट्ठा करके ठूस दिया तुम्हारे मुंह में, बिल्कुल फायदे नहीं है। मैंने तुम्हारे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो डिस्क्रिप्शन में है वो क्वेश्चन है जो कि तुम्हारे सिलेबस से डिलीट हो चुके हैं, उनको हटाने के बाद जो तुम्हारा बार बार रिपीट हो चुका है वो है, और एमसीक्यू केस बेस्ड सारे के सारे एसेसन रीजन वाले से लेकर के शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर हर एक चैप्टर के तुम्हें मिल जाएंगे नीचे डिस्क्रिप्शन में अलग अलग डिफाइन हो करके, तो तुम जाकर के उसको अच्छे से कर सकते हो। तो बायोलॉजी आपके यहाँ पे कंप्लीट होती है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, भगवान।